हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी कच्चा आम का अचार व रॉ मैंगो का चटपटा अचार। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉ मैंगो का अचार बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 किलो रॉ मैंगो लिया, 4 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी, 2 चम्मच येलो राई, 2 चम्मच ब्लैक राई, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया अक्खा धनिया, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मुमरेल व कलंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 4 चम्मच नमक व टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच पैन में सारे मसाला को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। पैन गरम होने के लिए रख दिया, गरम हो गया। 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ पहले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। सारे मसाला को पहले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मसाला को कलर चेंज होने तक फ्राई करूंगी। ड्राई रोस्ट हो गया, अभी एक बाउल में निकल के रखती हूँ। सेम पैन में मेथी दाना और अजवाइन को भी 1/2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। सेम बाउल में निकल के रखती हूँ। राई, ब्लैक राई और येलो राई, दोनों राई को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ड्राई रोस्ट। सारे मसाला ड्राई रोस्ट हो गया, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। सेम बाउल में सारे मसाला को ऐड कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मसाला पीस के रेडी कर लिया, ऐसे ही दरदराए पीसेगा। अभी अगले प्रोसेस में चलती हूँ। सारे आम को पहले कट के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे लंबा स्लाइस में कट के रेडी कर लेती हूँ। आम को कट के रेडी कर लिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और छोड़ देती हूँ 2 घंटे के लिए। आम अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, अभी बहुत सारा पानी निकला इसलिए एक प्लेट में एक एक करके इसे निकल लेती हूँ और सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। आप लोग के पास धूप रहेगा तो धूप में भी सुखा सकते हैं। प्लेट में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया और जो पानी निकला वो फेंक दूंगी, अभी हवा में छोड़ देती हूँ। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, धुआं उड़ रहा है, अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। आम को मैं धूप में रखा था और अच्छी तरह से पानी सूख गया। दूसरा
प्लेट में मैं निकल लिया। अभी सारे मसाला ऐड करूंगी, कलंजी और जो ड्राई रोस्ट किया मसाला पीस के रखा था वो भी ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अचार में नमक ज़्यादा ही पड़ता है, प्रिजर्वेटिव भी का काम भी करता है और अचार में नमक थोड़ा अच्छा लगता है। मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो गरम करके रखा था ऑयल, हॉट ऑयल, वो ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इंस्टेंट खट्टा चटपटा रॉ मैंगो का अचार बनके रेडी हो गया। ये आप लोग कांच का कंटेनर में भर के साल भर तक ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे कांच का कंटेनर ले लिया, इसमें अचार भर के रेडी कर लेती हूँ। इंस्टेंट कच्चा आम का अचार बनके रेडी हो गया। ये मसालेदार चटपटा स्वाद में खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत इजी से बनाया। ऐसे बनाइए और साल भर के लिए स्टोर करके रखिए। ऐसे इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।